नमस्कार दोस्तों, मैं नसीब जिनागल कोसलिया समाचार कोसली से। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दयावान संगठन के प्रधान भाई दयावान जी। तो आज 26/11 मुंबई हमले की बरसी 9वीं बरसी है और संविधान दिवस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज के दिन ही संविधान भारत देश को सौंपा था। तो दोस्तों, तो आज बात करते हैं भाई दयावान जी से। तो दयावान भाई, आज संविधान दिवस है, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आज एक बहुत ही महान दिवस है। इस दिन का सभी लोग इंतजार रहता है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज भाई जिनागल ने समाचार कोसली के लिए मेरे को चुना संविधान दिवस पर बोलने के लिए। आज शायद मेरा ही इंटरव्यू होगा कोसली समाचार में, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम अक्सर बात करते हैं अखंडता में एकता। ये अखंडता में एकता कहाँ से आई, ये एक सोचने विषय की बात है कि अखंडता है क्या चीज़। भाई अखंडता में एकता तो बात सभी करते, लेकिन हिंदुस्तान में भी तो अखंडता में एकता, ये एकता ही कहाँ से। ये एकता कहीं ना कहीं अगर हम जाने तो सबसे बड़ी जो इसका मुख्य रूप है संविधान से ही ये अखंडता में एकता ही है। आज हम बैठे हैं, मेरी दुकान को एक ब्राह्मण लीड करता है, भाई तरुण यादव होने के बाद हर चौबीस मेरे कंधा मेला चलता है, यानी कि हर एक लोगों को एक माला के जो है मोती होते हैं अलग अलग मोती होते हैं, उनके एक माला के अंदर तोड़ने का जो काम किया है, सभी को जोड़ने का काम किया है, तो वो डेट इज संविधान ने किया हमारे। अगर संविधान नहीं होते तो आज हम भी छिन्न भिन्न होते। बढ़िया संविधान लिखा गया तो आज बढ़िया। अगर आप गौर की बात करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों ही देश साथ में ही आज़ाद हुए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन आज आतंकवाद जो आज पाकिस्तान की जो छवि है वो एक आतंकवादी छवि है, उसको एक आतंकवाद के लिए याद करते हैं कि भाई पाकिस्तान एक आतंकवादी लैंड है या वो है। हिंदुस्तान को जब भी याद करते तो पीसफुल इन्वायरमेंट के तहत हिंदुस्तान भी शांतिपूर्ण देश, ऐसा क्यों? इसलिए हिंदुस्तान को याद किया जाता है बढ़िया तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान अच्छा लिखा गया है। अगर हिंदुस्तान का संविधान अच्छा नहीं होता तो शायद आज हम भी टेररिज्म आते, हमको भी आतंकवादी कहते हैं। ये सच्चाई की बात। और सबसे बड़ी जो निर्देशित बात है कि हमें हमारा संविधान टाइम पर मिला। 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा एक संविधान की मूलभूत जो रूपरेखा थी वो तैयार हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है उस संविधान के अंदर कि हमें टाइम पर संविधान मिला, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो। लेकिन जब संविधान की बात आती है तो संविधान उनको मिला था 1989 जहाँ तक मेरे को पता है 20 या 30 साल के गैप के बाद पाकिस्तान को संविधान मिला था। और इतना ही गैप, इतना टाइम उनको संविधान बनने में लग गया जो कि बहुत गलत था, जिसके कारण आज पाकिस्तान क्या बन गया, आतंकवाद का गढ़ बढ़ चुका है। और ये अब हम हिंदुओं की वो है कि बाबा साहब की हम संविधान के तौर पे याद करते हैं कि बाबा साहब की मूलभूत है कि हमने याद किया उन्हें। और ये एक उनको भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सबसे कम समय में और हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया। बिल्कुल, तो ये थे दयावान भाई के संविधान के बारे में विचार और बाबा साहेब ने जो संविधान हमारे देश को सौंपा। हाँ, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अब पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान पूरा मुस्लिम कंट्री है, उसका जो संविधान की रूपरेखा लिखी गई है वो सिर्फ कुरान के बेस के ऊपर लिखी गई है संविधान की। और अगर किसी चीज़ में धर्म इंक्लूड हो जाता है तो वो संविधान या देश वो बिल्कुल नस्वार हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। ये थ्योरी कहती है, ये सिद्धांत भी यही कहते हैं। बहुत से देश अब जैसे हमें देखा है, जैसे लीबिया को देखा नष्ट होते हैं, या बहुत से ऐसे देश ये बहुत से ऐसे देश हैं जिनका संविधान अच्छा नहीं था, ये नष्ट हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान से ज़्यादा शायद हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। पाकिस्तान की मुसलमानों की संख्या 15 करोड़ है, हिंदुस्तान में वो कम से कम ज़्यादा नहीं 17 करोड़ या 18 करोड़ 21 करोड़ के लगभग है। और दूसरी बात क्या है, उसके बाद ईसाई भी है, सिख भी है, सारे धर्म हैं। सारे धर्म होने के बावजूद फिर भी एकजुटता है, एकजुटता कैसे हो पाई है? संविधान बढ़िया था जब एकजुट हो पाई, और अगर ये चीज़ बढ़िया नहीं होती तो ये है बिल्कुल नहीं होता। इतने अंगों को बिल्कुल कास्ट के ऊपर, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर और क्षेत्रवाद के ऊपर, भाषा के ऊपर, जितने हिंदुस्तान में अगर टुकड़े कर दिए जाए तो मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड के अंदर 206 देश हैं, उस हिसाब से तो पता नहीं कितने देश बढ़ जाए हिंदुस्तान के अंदर। और इन इतने जनता, इतनी भाषा, इतनी जाति और इतने धर्मों को रोक के रखना, ये सबसे बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान का ही टैलेंट है, या संविधान ही जो कहते मूलभूत लग है जिसके कारण ये देश अभी तक ऊपर। दयावान भाई, आज 26/11 है जो कि मुंबई हमले की 9वीं बरसी है, तो इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं अपने? 26/11 हम देश को दुखद दिन के तौर पर याद करते हैं। उस दिन बहुत से शहीदों ने अपनी जान भी दी है, इसके लिए अभी मानते हैं ये 26/11 को याद किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
हमने 26/11 से कुछ ना कुछ सीखा ही है, ये आज मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लोग बात कहते हैं कि 26/11 देश के लिए एक भयानक दिन था, या लोगों ने शहीदी जरूर दिए 26/11 पर, इस चीज़ को हम मानते हैं बिल्कुल, 26/11 भाई मानते हैं, लेकिन वो है 26/11 आज 9 साल हो गए, यानी कि 2008 में 26/11 2008 में 26/11 हुआ था, लेकिन अभी तक कोई 26/11 नहीं हुआ इंडिया उसके बाद। बिल्कुल ये सबसे बड़ी वो 26/11 से 26/11 में कुछ ना कुछ सिखा कर गए ये, तो मैं इसको मानता हूँ। और हमने कहीं ना कहीं कोई चीज़ देखनी तो पॉजिटिवनेस देखनी है, और वो 26/11 में सिखा कर गया। सर 26/11 पे जो आज शहीद हुए तो उनके परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे उनके परिवार को तो हम क्या, लेकिन भी तो हमारे अब प्रेरणा स्रोत है। अगर 26/11 के परिवार से हम कुछ नहीं सीख पाए तो सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर हम उनसे कोई चीज़ ले सकते हैं तो हम प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने मैंने कहीं देखा था, कई तो परिवार ऐसे थे जिनके ही इंडिविजुअल ही बेटा था, और वो किसी परिवार के इंडिविजुअल बेटा शहीद हो जाता तो उस माँ बाप पे क्या भेज, फिर भी उस इंडिविजुअल का बेटा देश के काम आए, ये सबसे बड़ी बात है। हम तो प्रेरणा स्रोत में उन्हें देना चाहिए, और कहना तो क्या चाहते हैं सरकार, मेरे हिसाब से तो कई कांग्रेस और बीजेपी उनकी हर भूल मूलभूत सुविधा मदद नहीं करी। 26/11 कई बार हम फॉर्म भी भरते हैं, अगर कोई भाई महाराष्ट्र के अंदर 26/11 शहीद हुआ है उसे अलग से रिजर्वेशन मिलता है, जो बढ़िया बात है, रिजर्वेशन है, तो ये होता है। चलो इसके आगे देखते हैं। हम तो फिर भी आज हम शाम को अगर टाइम मिला तो आप जैसे चल ही रहे हमारे साथ दिल्ली, टाइम 26/11 की कहा दिल्ली में अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो अटेंड करेंगे, नहीं है तो हम शाम को अगर टाइम से पहुंच पाए तो 26/11 को आज के लिए याद करेंगे, कैलेंडर मार्च करते हैं किसी तरीके से कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे, 26/11 को याद किया जाएगा। तो ये थे दयावान भाई के 26/11 हमले पर अपने विचार। तो मैं और दयावान और हमारी पूरी टीम 26/11 हमले पर हुए शहीदों को तहे दिल से श्रद्धांजलि देती है, और दिल्ली भी जाकर शहीद दीदी को याद किया जाएगा। हाँ जी, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।